इम्तिहान की घड़ी आन पड़ी है तो कोई फिक्र नहीं। हमने 100 बार जमाने के भरम को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ये जड़ा जमाने का भरम है इनू 100 बार तोड़िया। अंग्रेज का भी भरम तोड़िया और बड़िया पार्टियां का भी भरम तोड़िया और आज बहुत लोगों का भरम जो है वो टूट जाएगा। कांग्रेस पार्टी के हाथों में पंजाब का मुस्तकबिल रोशन है, महफूज है, मुस्तकम है और जो पिछले 5 साल गुजरे हैं जो पंजाब के लोगों दी तवक्कोआत सी जो लोगों दी इच्छावां सी पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी उन्होंने खरी उतरी है। सो मैं पूर उम्मीद है और 100 रब की मैनू कांग्रेस पार्टी सोहनी लगती है। मनप्रीत जी, बादल गांव में कुछ बदलाव होगा इस बार, आपको लग रहा है कुछ बादल गांव की इस लंबी विधानसभा की बात करें? सब ये तो ज्योतिषी बता सकता है, मेरे कहने में कोई ना बदलाव होगा बट कांग्रेस पार्टी की खैर मांगते। एक पंजाबी में एक मुहावरा है कि जिस बेड़ी पे कोई सफर करता है उस बेड़ी की खैर मंगनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी की खैर मांग। बदलाव जिस तरह से अभी चुनावों से पहले खालिस्तान का मुद्दा भी एक बार फिर से इशू बन गया, कुमार विश्वास ने जिस तरह से आरोप लगाए तो उसका क्या असर पड़ेगा आपको लगता है? सब आप पंजाब की हिस्ट्री से ना वाकिफ हैं। पंजाब एक वाहद स्टेट है इंडिया में और मैं अंग्रेज के जमाने की बात बता रहा हूँ कि 173 MLA होते थे और 173 MLA में से मुस्लिम लीग के सिर्फ 3 MLA होते। पंजाब में कभी भी जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसका कभी भी वजूद नहीं रहा और ये कम्युनल पॉलिटिक्स कास्ट पॉलिटिक्स पंजाब में गैर हाजिर है। मैं मानता हूँ ये हिंदी हार्टलैंड में इसका काफ़ी बड़ा असर हो सकता है पर पंजाबी जो है ये पंजाब की पंजाब का जो पानी है इस पानी में कुछ जादू है, इस मिट्टी में कुछ सरूर है। यहाँ के जो आदमी है वो कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स और जिंदगी को ना पसंद करते। कांग्रेस को कास्ट का सहारा क्यों लेना पड़ा? कांग्रेस ने कास्ट का सहारा नहीं लिया, कांग्रेस ने टैलेंट और मेरिट का सहारा लिया। अगर मेरे रब को मंजूर हुआ और पंजाब के लोगों ने साथ दिया तो चन्नी साहब फिर पंजाब के मिनिस्टर बने। मनप्रीत जी, सर थोड़ी आईडी ने ट्वीट किया है कल रात एक्सीडेंट कर दिया मानसा की गाड़ी से। सर मोबाइल नहीं चल रहा, मैं कोई बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूं ना मुझे मानसा आपकी गाड़ी को बनाकर लेके उसको बचाते हुए उसने एक आदमी मारा। मैंने तो प्रेस नहीं देखी बट यू नो योर रिस्पांसिबल प्रेस में इसका काफी बड़ा असर हो सकता है पर पंजाबी जो है ये पंजाब की पंजाब का जो पानी है इस पानी में कुछ जादू है, इस मिट्टी में कुछ सरूर है। यहाँ के जो आदमी है वो कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स और जिंदगी को ना पसंद करते। कांग्रेस को कास्ट का सहारा क्यों लेना पड़ा? कांग्रेस ने कास्ट का सहारा नहीं लिया, कांग्रेस ने टैलेंट और मेरिट का सहारा लिया। अगर मेरे रब को मंजूर हुआ और पंजाब के लोगों ने साथ दिया तो चन्नी साहब फिर पंजाब के मिनिस्टर बने। मनप्रीत जी, सर थोड़ी आईडी ने ट्वीट किया है कल रात एक्सीडेंट कर दिया मानसा की गाड़ी से। सर मोबाइल नहीं चल रहा, मैं कोई बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूं ना मुझे। मानसा आपकी गाड़ी को बनाकर लेके उसको बचाते हुए उसने एक आदमी मारा। मैंने तो प्रेस नहीं देखी बट यू नो योर रिस्पांसिबल प्रेस में विधानसभा भी लड़ रहे हो, दूजे पासे लंबी तो तुसी वोटर भी हो और पंजाब दे खजाना मंत्री होने कारण कितना कितने खजाने का असर पूरे पंजाब ते पैंदा है, तो तुसी अपनी जिम्मेवारी इस इलेक्शन च कितनी वड्डी समझदे हो? बहुत वड्डी जिम्मेवारी और जिस तरह मैं कहा कि पंजाब दे खजाने नूं दुरुस्त कीता जिहड़े पिछले 5 साल जिहड़े गुजरे है उन्हां च पंजाब दे जिहड़े मसले मसाइल सीगे उन्हां ते काबू पाया, पिंडां च और शहरां दे विच डिवेलपमेंट हुई है और उस बिना ते कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीती। थैंक यू सर।